हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस गेमर। तो भाई लोग, कैसे भाई लोग, आज का हमारा वीडियो है जेसी के ऊपर। जेसी से हम लाइव पुशिंग करेंगे सोलो शोडाउन में। तो हम एक दो मैच खेलते हैं लाइव सोलो शोडाउन का। तो चलिए गाइज जी, देख लेते हैं। यही मैप है सोलो शोडाउन का, सर्वाइव द एरेना स्कॉच स्टोन। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बॉक्सेस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि उससे हम हमारे जेसी का बहुत ही ज़्यादा पावर बढ़ जाता है। तो सामने एक बॉक्स दिख रहे हैं, तो इधर से कोई बंदे ना हो। इधर पोको है, पोको से हम थोड़ा पीछा छुड़ाते हैं और बॉक्स कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, एक दो शॉट और पड़ने पर ये बॉक्स टूट जाएगा एक शॉट। तो इधर ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा हाइड हो जाते हैं, क्योंकि बंदे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। 9 बंदे अभी भी अलाइव हैं, कोल्ट ने लियोन को मार दिया है। तो इधर तो हम अभी फ़िलहाल तो हाइड ही रहने वाले हैं कुछ देर तक। तो इधर फाइटिंग चल रहा है शायद अंदर में। इस मैप में सबसे ज़्यादा बताऊँ तो डेरियल चलता है, तो आप डेरियल को भी यूज कर सकते हैं। और इधर हमारे पीछे कोल्ट आ रहा है, कोल्ट 4 एनर्जी क्यूब्स के साथ। हम तभी निकलेंगे जब हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं अभी, तो हम छिपने वाले हैं फिर से, क्योंकि इस मैप में थोड़ा नोब जैसा हम खेलने वाले हैं और इससे हमारा ट्रॉफी बहुत ज़्यादा पुश हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी 6 बंदे अलाइव हैं, जब 5 बंदे बचेंगे तब हम निकलेंगे। और आप लोग भी ये ट्रिक यूज करिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा से पुश हो जाएगा आप लोग का भी। यहाँ 2 बंदे लड़ेंगे और हमारा ही फायदा होगा। देख लिए ना। कोल्ट वर्सेस कोल्ट, यहाँ पोको है इस साइड, पोको द डेरियल हमारे पर। देखें डेरियल, डेरियल कब से सभी को मार रहा है वही शॉट्स देके। तो +3 ट्रॉफी है रैंक 4 के साथ। तो हम एक और मैच खेलते हैं लाइव और थोड़ा हाइड रहने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी बंदे फाउंड हो रहे हैं, 3 बंदे हुए हैं। 10 प्लेयर पर ये स्टार्ट ले लेगा, तो 10 प्लेयर हो चुके हैं। तो हम सामने वाला बॉक्स को कलेक्ट करेंगे, शायद हमें 2 बॉक्स इजीली मिल जाएंगे और टीम अप करने का कोशिश करेंगे। 9 बंदे अभी अलाइव हैं, क्योंकि जेसी ने तारा को मार दिया है। तो देखें, बॉक्स लेने से हमारा पावर बढ़ जाता है, 1000 का डैमेज पड़ रहा है। तो हम थोड़ा फिर हाइड रहते हैं, उससे हमारा पुशिंग हो जाएगा। अंदर में है एक लियोन, जो हमारे लिए अंदर जाएंगे तो खतरा साबित हो सकता है। अब बंदे मार जाने दीजिए, तब हम निकलेंगे जैसी से। आप इस मैप में इसी तरह से पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं सामने एक कोल्ट है, कोल्ट लगातार फायरिंग दे रहा है अंदर चेक करने के लिए। तो यहाँ क्या कहते हैं, सैली निकल के मार दी है कोल्ट को। तो अभी 4 बंदे अलाइव हैं, 1-2 और मर जाएं तब हम यहाँ से तब निकलेंगे जब धुआं हमारे सामने से हट जाएगा, बहुत सामने आ जाएगा। तो हम थोड़ा पीछे भाग जाते हैं। इधर एक बुल है विदाउट एनर्जी क्यूब, तो हमारे पास 2 पावर हैं, तो 1000 का डैमेज पड़ेगा जिसे भी देंगे। तो यहाँ से हम हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ अब रहना सेफ्टी नहीं है। तो अभी 3 बंदे अलाइव हैं, इस तरह से आप बहुत अच्छा से पुशिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा नो भी ठीक है, पर माइनस नहीं होना चाहिए ट्रॉफी। तो इधर एक कोल्ट है, अंदर में सैली, तो सैली को डैमेज पड़ गया है एक। तो सैली को डैमेज पड़ गया है, सैली नहीं 9 पावर क्यूब के साथ है, तो हमें कभी भी मार देगी वो। तो
तो हम हैशटैग #2 तो कर जाएंगे, पर अच्छा ट्रॉफी की भी मिल जाएगा। अरे सेफ्टी से चलना है, फिर कोई अब तो मार ही देगी वो। ओ सी ठीक है, #2+6 ट्रॉफी के साथ तो हम एक और मैच खेलते हैं लाइव, तो देख सकते हैं +9 ट्रॉफी हुआ है अभी, और एक और मैच हम खेलते हैं 10 प्लेयर फाउंड हो जाएं, उसके बाद हम एनर्जी क्यूब लेंगे और थोड़ा हाइड खेलेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा ट्रॉफी पुश हो जाता है। हम जल्द ही 4000 ट्रॉफी पुश कर लेंगे इसी ट्रिक से, तो हमें शायद 3 एनर्जी क्यूब मिल जाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा पलटता है। फिर जितना ज़्यादा जैसे के पास एनर्जी क्यूब से रहते हैं, क्योंकि बाउंस बैक भी उतना ही, बाउंस बैक के कारण 1000 का डैमेज पड़ रहा है अभी, तो हम थोड़ा हार्ड रह के खेलेंगे। अभी 9 बंदे अलाइव हैं, 8 इधर भी है क्या, कोई चेक कर लेंगे, और अगर हमें इधर भी मिल जाए एनर्जी क्यूब तो और भी अच्छा है, और डेरियल रहा तो डेरियल हमें मार देगा, इसीलिए थोड़ा डेरियल से बच के रहे हैं। तो इधर तो नहीं है, और इधर था ब्रोक, ब्रोक भी बहुत अच्छा ब्रॉलर है, तो हम थोड़ा हाइड रहने का कोशिश करेंगे। अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोई भी ब्रॉलर हो सकता है अंदर में। 4 बंदे अभी भी अलाइव हैं, आखिर हमें इसके लालच में अंदर आना ही पड़ा। तो हम अंदर में हैं अभी फिलहाल में 8 एनर्जी क्यूब्स के साथ, तो यहाँ चेक कर लेते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कम है अभी फिलहाल में, और हमारा एक शॉट से एनिमी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा है। सामने एक ब्रॉक है, उसका उसे तो थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी क्यूब्स हैं, उसका सैंडविच हो सकता है। तो ब्रॉक है, तो ब्रॉक मारा गया है, और शायद हम #1 कर जाएं। ओ सीट बच गए, हाँ इस मैप में हम #1 किए हैं और +7 ट्रॉफी के साथ। तो भाई लोग आज का वीडियो जैसी का आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट ब्रॉलर का वीडियो किस ब्रॉलर पर चाहिए कमेंट्स करके बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस।